हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग, दिस इज रमेश जसपाल। ओके, कौन सा डे है आज? फिफ्थ डे है मेरा। और क्या करने वाले हैं अभी आप? अभी गाड़ी बैक करने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। गाड़ी की बैक की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आया हूँ इस ग्राउंड में, जो कि यहाँ पे मैं इनको बैक करने की प्रैक्टिस कराऊंगा। और बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ माइंड में एक चीज़ नहीं रहेगी कि गाड़ी मेरी लड़ जाएगी या भिड़ जाएगी या टकरा जाएगी। तो जब हम किसी चीज़ को कूल माइंड से करते तो वो बहुत जल्दी समझ में आता है। अभी जैसे आप फ्रंट में एट बना रहे थे, वही चीज़ सेम आपको पहले थोड़ा सा आप सीधा सीधा कर लेना बैक में, ठीक है? और अगर आप ऐसे गर्दन पीछे करके देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा टेढ़े होके। चलो, बैक गियर डालो, पूरा राइट दबा के गियर लीवर को अपनी तरफ ले जाओ पहले, पूरा फुल। अब पीछे खींचो, वेरी गुड, लग गया बैक गियर। वही सेम कंसेप्ट रहेगा, बिना एक्सीलेटर गाड़ी चलेगी फर्स्ट और सेकंड गियर बैक गियर में। जाने दो, अभी स्टीयरिंग आपने पूरी राइट घुमाई है, तो पहले दो तीन सर्कल बैक में कर लो, गोला, जीरो जिसको कहते हैं, जीरो। अभी राइट वाले मिरर को चेक करो और जाने दो, ब्रेक को फ्री करो, पूरी राइट स्टीयरिंग घुमा के रखो, पूरी स्टीयरिंग राइट, नज़र आपकी राइट वाले मिरर पर रहनी चाहिए। ये तो लेफ्ट है माय डियर, राइट तो घुमा रखा है आपने, सही तो है, पूरी स्टीयरिंग राइट खींच के रखो। चलो जाने दो, क्यों सीधी कर रहे हो भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। अभी आपने स्टीयरिंग किधर घुमाया है? अभी राइट है। तो गाड़ी किधर जाएगी अभी बैक में? राइट ही जाएगी। हाँ। तो आपको मैं राइट ही तो जाने के लिए कह रहा हूँ, तो स्टीयरिंग आप क्यों सीधा कर रहे हैं? पूरी खींच के रखो एक। अरे प्रभु, क्या कर रहे हैं आप? समझ गया, जाने दो। ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए जरा सा भी, अगर ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी का इंजन बुझ जाएगा तुरंत। नज़र आपकी दोनों साइड मिरर में रहनी चाहिए, पहले पूरा सर्कल बनाओ, क्लच को पूरा रिलीज कर दो। वेरी गुड, क्लच दबा नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए। आप देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने पूरा स्टीयरिंग को राइट घुमा रखा है, पूरा 100% राइट स्टीयरिंग को घुमाया, 90 डिग्री से इनका टायर जो है वो मूव कर गया है। अब 90 डिग्री से का मतलब ये होता है कि खड़ी गाड़ी वहीं पे पूरा सर्कल बन जा रहा है, वहीं के वहीं जीरो बन रहा है। ये पूरा सर्कल इनका बन गया, इन्होंने पूरा स्टीयरिंग को राइट घुमाया है, ठीक है? और अभी राइट घुमाया, अभी इसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसी को सर्कल बनाना एट में, इसको एट में कन्वर्ट करना है जैसे पहले कर रहे थे। अब ये लैंडमार्क देख लेना है, आपको लैंडमार्क देख लेना कि कहाँ से आप टायर को घुमा सकते हो बैक में। अभी पूरी लेफ्ट घुमा दो जल्दी से, जल्दी जल्दी, पूरी फुल, गुड। अभी पूरी राइट घुमा दो, राइट पूरी फुल, पूरी लेफ्ट घुमा दो। अब अपना माइंड लगा के करिए, अब आपको जहां पे टर्न करना है वो अपना दिमाग लगा के करिए। अगर दोस्तों इस तरीके से आप कार को फ्रंट में और बैक में चला लेते हैं, ये तो गड़बड़ कर दिया इन्होंने, गड़बड़ कर दिया, पहले बहुत गलत काट दी आपने, बहुत बिफोर। अभी वापस यहाँ ले आओ, सीधी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गाड़ी गलत कट गई तो पहले गियर में डाल के वापस ले आओ यहाँ पे। अब वापस रोक के बैक गियर डाल लो, वापस रोक के बैक गियर डाल लो, क्या दिक्कत है? चलो अब एक काम करो, निकाल लो, नहीं टाइम हो जाएगा अभी। चलो, क्योंकि 10-15 मिनट बचे हैं, फिर चलो स्टार्ट करो, पहले गियर में करके निकालो, पहला गियर डालो और सीधा चढ़ाई पे लेके निकाल लो। अब देखो, आपने ब्रेक दबा रखा है तो गाड़ी तो बंद होनी ही होनी है, क्योंकि आप ब्रेक को रिलीज़ नहीं करते, ये डिस्क ब्रेक होता है।
और इसको क्यों छेड़ रहे हो आप? आप थोड़ा कंफ्यूज भी होते हो, पता है, कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, अगर कंफ्यूज हो गए तो दिक्कतें आएंगी, हमको चीजों को याद रखना है। अभी सामने चढ़ाई पे रुक कर थोड़ा सा गाड़ी को प्रैक्टिस करना, मैं बताऊंगा स्लोपिंग की, हल्का लेफ्ट दबा लो गाड़ी, हाँ सीधा जाना है स्ट्रेट, एकदम सीधा, हाँ हल्का राइट रखो, राइट इधर ज्यादा डाउन है ना, और राइट रखो थोड़ा, हाँ वापस लेफ्ट आओ हल्का, हाँ चलो जाओ, हल्का रेस लो चढ़ाइए, हाँ और बस रोक लो, स्टॉप स्टॉप, स्टीयरिंग सीधा है आपका, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, अगर स्टीयरिंग दाएं बाएं आपका घुमा हुआ है तो इसका मतलब आपका टायर दाएं बाएं निकला हुआ है। अब गाड़ी यहाँ पे आपने रोक दी है, ठीक है, ये स्लोपिंग है। अब यहाँ पे नॉर्मली ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर छोड़ेंगे ब्रेक तो गाड़ी कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, और पीछे अगर आपके पास गाड़ी कोई पीछे खड़ी है भाई, किसी चौराहे पे, किसी रेड लाइट पे, किसी ऐसी जगह आप खड़े हो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन में गाड़ियाँ आगे भी हैं पीछे भी हैं, तो हमें गाड़ी यहीं से बढ़ानी है, तो क्या करना है, ब्रेक छोड़ोगे कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, और गाड़ी पीछे भी नहीं जानी चाहिए और आगे भी जानी चाहिए, तो इसमें क्या करना, पहले ब्रेक पूरा दबाए रहो, थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ो, थोड़ा थोड़ा एड़ी नीचे दबा के रखो, पंजे को ऊपर आने दो, छोड़ो अभी तो आपने छोड़ा ही नहीं, धीरे धीरे बस थोड़ा सा और, बस बस अब ब्रेक वाला पैर हटाओ, हटाओ और हटाओ, हटाओ 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 हटाओ, पूरी तरीके से हटाओ, गाड़ी कहीं जा रही है, हटा लो पूरी तरीके से, हटा नीचे रखो, नीचे 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 रखो, नीचे, कहीं जा रही है गाड़ी, नहीं जा रही ना, अब एक्सीलेटर पे पैर ले जाओ, अब पहले हल्का एक्सीलेटर पे ले जाओ भाई, एक्सीलेटर पे, अब हल्का एक्सीलेटर पहले दबा के रखो, दबाओ और दबाओ एक्सीलेटर, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, आप दोनों ने, आपको आपने दोनों को मैच नहीं किया, मैच नहीं किया, दोनों का मैचिंग जो है वो नहीं कर पाए, इस वजह से इंजन बंद हो गया, नहीं क्लच तो बहुत अच्छे से आपने रिलीज किया था, अभी देखो क्लच नहीं दबाया, गाड़ी स्टार्ट कर दी, पूरा नहीं दबा था, इंजन ऑन करो, क्यों ब्रेक छोड़ा आपने, एक इंच भी ऐसी सी चढ़ाई होती कि अगर आपने एक इंच भी ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी गई पीछे, अब छोड़ो ब्रेक, अब हल्का रेस लो जल्दी से, हाँ इतने क्लच पे, फिर वापस स्टॉप करो, चलो निकालो, आप सुनते नहीं मेरी बात पूरी, चलो राइट ले लो, आपको मैंने क्या बोला था अभी वहां पे, सही स्टॉप बोला था, तो मैं और प्रैक्टिस कराना चाह रहा था, बट आप निकाल लो, चलो कोई नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, गाड़ी पूरी पूरी लोग सीख जाते पर ये चीजें नहीं आ पाती हैं, लेफ्ट आओ, लेफ्ट आइए लेफ्ट, आप देखो स्टीयरिंग है, देखो कितना हार्ड कर लिया, जैसे आप देखते हो कोई क्राउड एरिया स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग जब आप इतना कस लेते हो तो गाड़ी जाए चलेगी कैसे, अभी आपने वहां पे इतने सारे सर्कल बना दिए, अच्छा वहां पे सर जो बताना चाहते हैं आप ऐसे ही वर्बली बता दो, वो कोई मतलब ही नहीं है उसका, जो आपने वहां पे प्रैक्टिस करी है वही सेम चीज वहां में कराना चाह रहा था दो चार बार, बट बढ़ा लीजिए आप, चलो चलो स्पीड मेंटेन करो, जाने दो और बढ़ाओ, और अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, जाने दो, 12 o'clock पे आपका स्टीयरिंग पे हाथ आया, आप डे के हिसाब से चला बहुत अच्छा रहे क्योंकि बीच में काफ़ी गैप हो गए हैं, और बाकी ये जो छोटी छोटी जो कमियां हैं अभी थोड़ा सा आप समय लगा देते हैं समझने में, जैसे कोई चीज़ आपको बताओ ना तो पहले आप सोचने लगते हैं कि मैं करूं क्या, है ना, वो धीरे धीरे चला चला के आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो स्ट्रेट जाना है, हल्का लेफ्ट आ जाओ, हाँ और लेफ्ट, हाँ हॉर्न, चलो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।